सभी ग्राम प्रधान साथियों, सरपंचों और मुखियाओं को अजय प्रताप सिंह का नमस्कार। अखिल भारतीय प्रधान संगठन ने एबीपीएस न्यूज के नाम से एक न्यूज चैनल की शुरुआत की है, साथ ही एक वेबसाइट abpsnews.com भी बनवाई गई है, जिस पर सिर्फ ग्राम प्रधान साथियों की समस्याओं का जिक्र किया जाएगा। लेकिन हमारी ये मुहिम बिना आपके सहयोग के काफी अधूरी लगती है, क्योंकि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समस्याएं ग्राम प्रधानों, मुखिया और सरपंचों को आ रही हैं, जिनके समाधान के लिए हमने एक कार्यालय लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये कार्यालय खोला है, जहां हम एक एक करके प्रतिदिन किसी न किसी जनप्रतिनिधि से ग्राम प्रधानों की, पंचायतों की और आम आदमी, जिन्हें किसानों की समस्याओं से अवगत कराया जा रहा है, ताकि गांव और ग्राम पंचायत की समस्याओं का निस्तारण किया जा सके। अखिल भारतीय प्रधान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जितेंद्र चौधरी का भी यही सपना है कि ग्राम पंचायत आगे बढ़े और ग्राम प्रधानों को जो समस्याएं विकास कार्यों में आ रही हैं, उनका भी पूरी तरह समाधान हो सके। इसके लिए सभी आप साथियों को एक मंच पर आना होगा, अखिल भारतीय प्रधान संगठन का साथ आपको देना होगा, तभी ये मुहिम पूरी हो पाएगी। यहाँ पर हम भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, अन्य सभी दलों के विधायकों को बुलवाते हैं, उनसे ग्राम पंचायतों पर चर्चा करते हैं, क्या ग्राम पंचायत की समस्याएं हैं उन पर विचार विमर्श होता है। ये चीज आप व्हाट्सएप और फेसबुक के साथ साथ यूट्यूब के माध्यम से भी देख रहे होंगे कि किस तरह से हम ग्राम पंचायतों की समस्याओं को लेकर यहाँ चर्चा कर रहे हैं। इसके लिए जो भी समस्याएं आपके क्षेत्रों में आ रही हैं, वो व्हाट्सएप, फेसबुक या किसी अन्य माध्यम से हम तक आप पहुंचा सकते हैं, फोन के द्वारा भी पहुंचा सकते हैं। हमारे सभी नंबर व्हाट्सएप के ग्रुपों में आपके पास मौजूद हैं, तो हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि अपनी समस्याओं से समय समय पर हमें अवगत कराते रहें, और आपके सुझाव हमारे लिए सबसे ज़्यादा अमूल्य होंगे, क्योंकि आपके सुझावों के बिना ही इस चैनल को चला पाना और इस चैनल को उस ऊंचाई तक ले जाना जिसका सपना राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी जी ने देखा है, तो वहां तक जा पाना काफी मुश्किल होगा। आप सबका एक मंच पर आना और आपका साथ हमें मिल जाए, तो हम इस लड़ाई को लड़ेंगे ही नहीं बल्कि जीतेंगे भी। आने वाला समय ग्राम पंचायतों की खुशहाली के लिए है, इस बात को सोचकर ही हम लोग यहाँ जनप्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं, जिसमें हर उस छोटी बड़ी समस्या से जनप्रतिनिधियों को अवगत कराते हैं जो ग्राम पंचायत के विकास में बाधा के रूप में खड़ी है, जिनमें सबसे मुख्य समस्या है कि अगर स्कूल है तो टीचर नहीं, हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं। ग्राम पंचायत के विकास कार्यों के लिए जो रेता और बालू की जरूरत पड़ती है, उसके लिए सरकार ने अभी ऐसा कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया जिसके जरिए विकास कार्यों में इस्तेमाल होने वाला रेता और बालू अपने सही स्थान पर पहुंच सके, जहां जाकर उसे ग्राम पंचायतों के विकास कार्य में इस्तेमाल किया जाना है। इसके साथ साथ जैसे ग्राम प्रधानों की शिकायतें आम बात हो गई हैं, कोई भी आदमी जाता है, एक रुपया का कागज लेता है, उस पर चार लाइन लिखकर ग्राम प्रधान की शिकायत कर देता है। अगर 1% शिकायत सही भी पाई जाती है तो ग्राम प्रधान पर तो कार्यवाही हो जाती है, लेकिन शिकायत झूठी मिलने के बाद शिकायतकर्ता के खिलाफ अभी तक कोई भी कार्यवाही का मामला प्रकाश में नहीं आया। ग्राम प्रधान भी यही चाहते हैं, मुखिया भी यही चाहते हैं और देश के सरपंच भी यही चाहते हैं कि अगर हम सही हैं तो हमारी झूठी शिकायत करने वाले के खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ये सरकार आने वाले समय में ग्राम पंचायतों के सहयोग से और आगे बढ़ेगी, क्योंकि पिछली सरकारों ने भी ग्राम पंचायतों को पीछे धकेलने का ही काम किया है, ऐसा ग्राम प्रधानों का मत भी है। कई जगह पर हम गए तो हमें तमाम समस्याएं भी ग्राम प्रधानों से सुनने को मिली। उन्हीं समस्याओं को लेकर आज हम लखनऊ की इस धरती पर आपकी समस्याओं को विधानसभा के माध्यम से सरकार के कानों तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि उन समस्याओं का हम निस्तारण करा सकें। और कहीं ना कहीं हमारा अगर ये प्रयास 10% भी कामयाब होता है और गांव में खुशहाली आती है, ग्राम प्रधान को सम्मान मिलता है, तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानेंगे और इसी सेवा में हम लगे हुए भी हैं। लेकिन एक बार फिर से यही कहना चाहूँगा कि बिना आपके सहयोग के हम कुछ नहीं कर सकते। आपका सहयोग हमारे लिए महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि हमारे लिए आशीर्वाद का भी काम करेगा, जिसके जरिए हम इस मंजिल पर आगे बढ़ते जाएंगे। तमाम समस्याओं को लेकर हमने बात की, जैसे संविधान कहता है कि 10 रुपए के शपथ पत्र पर कम से कम ग्राम प्रधान की शिकायत होनी चाहिए, लेकिन ये क्या हो रहा है कि 1 रुपया का कागज खरीद कर ग्राम प्रधान की शिकायत कर दी जाती है।
ऐसी तमाम समस्याएं ग्राम प्रधानों के सामने हैं, लेकिन उन समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। आपकी आवाज़ बनकर हम लखनऊ में खड़े हैं, हम लखनऊ में कार्यालय खोलकर बैठे हैं। आप इस कार्यालय में कभी भी आ सकते हैं, अपनी समस्याओं से हमें व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य किसी माध्यम से भी अवगत करा सकते हैं। हम यही आपसे आशा करेंगे कि आपका सहयोग हम लोगों को मिलता रहेगा, ताकि हम उस सपने को जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जितेंद्र चौधरी ने देखा है, ग्राम पंचायतों को खुशहाल बनाना, ग्राम प्रधानों को सम्मान दिलाना, तो उसमें कामयाब हो सकें। इसी के साथ अजय प्रताप सिंह को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।